नमस्कार दोस्तों, किरण की रसोई से मैं आपका स्वागत है। और सर्दियों में मीठा और गर्मा गर्म खाने का, गर्मा गर्म मीठा खाने का सभी का दिल करता है। तो ब्रेड और दूध तो सभी के घर में होते हैं, अवेलेबल हमेशा होते हैं। तो उसी ब्रेड और दूध से मैं बनाने जा रही हूँ आज शाही टुकड़ा की मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि बहुत स्वीट है और बहुत ही टेस्टी लगता है। और आपने बचपन में ये ज़रूर खाई होगी। तो अलग अलग तरीके से ब्रेड का मीठा बनता है, तो ये शाही टुकड़ा मैं आपके लिए बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ली हैं ब्रेड की स्लाइसेस, और जो ये ब्राउन साइड्स हैं चारों तरफ से ब्रेड की, उन्हें कट कर लिया है और इस तरह से ये टुकड़े में काट लिया है। जितने आपके मेंबर हों उतनी आपको ये शाही टुकड़ा बनानी हो, और पसंद आए तो ज़्यादा भी बनानी पड़ सकती है। तो ब्रेड आप आवश्यकता अनुसार, मैंने यहाँ पर ली हैं कम से कम 6-7 स्लाइस ली हैं और उन्हें हाफ कट कर लिया है। और लेंगे हम चीनी आवश्यकता अनुसार, लेंगे बताऊंगी मैं आपको। पानी लेंगे, ये है कुटी हुई इलायची, 2-3 इलायची हैं। ये है कस्टर्ड पाउडर, जो कि फ्लेवर देगा हमारी रबड़ी को। और ये है 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, और ये है भीगा हुआ केसर, और ये है गाढ़ा दूध। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1.5 किलो दूध लिया और उसे सिम पर उबलने दिया कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा उबलने, 1.5 किलो दूध आधा रह गया, तो मुझे ये गाढ़ा मलाई वाला दूध मिला है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से गाढ़ा है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसके अंदर मलाई है, पर फिर भी अभी हम इसे और पकाएंगे थोड़ा, तभी ये हमारी रबड़ी तैयार होगी। तो और उसके साथ ही हम शुगर सिरप रेडी करेंगे और जो हमारे ब्रेड हैं उनको शाही टुकड़ों में तब्दील करेंगे। तो चलिए बनाते हैं किरण की रसोई से शाही टुकड़ा। सबसे पहले मैंने जो ये रबड़ी बनाने के लिए दूध को गैस पर रख दिया है, पहले ही इसके अंदर काफ़ी मलाई है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए और इसके अंदर मैं फ्लेवर भी ऐड करूँ थोड़े। अब मैं इसके अंदर ये इलायची फ्लेवर डाल रही हूँ, और जो कस्टर्ड है उसे हम घोल लेंगे बिना लम्स के, इसे मैं घोल कर इसके अंदर ऐड करेंगे हम। और फुल आंच पर कर रखा मैंने गैस, पर ध्यान रखिएगा दूध निकल जाता है। तो इस तरह से आप अगर कड़छी रख देते हैं तो दूध बाहर नहीं निकलता है। मैं इसे पीछे वाली गैस पर शिफ्ट करके आगे हम शुगर सिरप रेडी करते हैं। इस शुगर सिरप बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2/3 कप ये चीनी ले रही हूँ, और इसी के बराबर मैं पानी ऐड करूँगी। अब जो ये शुगर सिरप है, आधा केसर मैं इसमें डाल रही हूँ और आधा केसर जो भीगा हुआ है वो हम डालेंगे हमारी रबड़ी के अंदर, तो दोनों में कलर भी आ जाएगा और फ्लेवर भी। और मैं रबड़ी में भी चीनी डालूंगी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और साथ ही रबड़ी में मैं ऐड कर रही हूँ ये कस्टर्ड पाउडर। ये देखिए कितना अच्छा कलर है, वनीला फ्लेवर का है कस्टर्ड पाउडर। और इसे अच्छी तरह जब भी डाले तो नीचे से ऊपर तक अच्छी तरह हिलाए, लम्स नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। और इसे अच्छे से आप रबड़ी में मिक्स कर लें। इधर हमारी रबड़ी तैयार हो रही है, इधर हमारा शुगर सिरप रेडी हो रहा है। लास्ट स्टेप पे आ जाएगा, फटाफट से ये मीठा तैयार हो जाता है, बहुत ही जल्दी बनता है। अब ये 1/2-2/3 कप चीनी मैं रबड़ी के अंदर ऐड कर रही हूँ, इसीलिए इसे डबल का मीठा भी कहते हैं, शाही टुकड़ा कहते हैं, कई लोग ब्रेड का मीठा कहते हैं। तो अलग अलग जगह इसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन है दूध और ब्रेड ही।
और पांच ये शुगर सिरप भी साथ में। तो अब ये शुगर सिरप हमारा रेडी हो गया, गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ब्रेड का मीठा बनाने के तीन स्टेप हैं। पहला स्टेप है शुगर सिरप और दूसरा साथ साथ चल रहा है रबड़ी वाला। गैस चल रहा है और रबड़ी उबल रही है। स्लो टू हाई पे मैं फ्लेम पे रबड़ी को बना रही हूँ। और यहाँ मैंने शाही टुकड़े को बनाने के लिए देसी घी लिया है। गर्म हो रहा है पैन में और अब हम जो ब्रेड्स हैं उनको इसमें डीप फ्राई करेंगे। यहाँ देसी घी गर्म हो चुका है और मैं यहाँ पर ये ब्रेड स्लाइस डाल रही हूँ और फटाफट से आपको करना पड़ेगा, ये बहुत जल्दी तलते हैं ब्रेड। और इन्हें दोनों साइड से डीप फ्राई करना है अच्छी तरह। कोई इस तरह से चिमटा ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पलटने में आसानी रहेगी। इस तरह से आप पलट लें। ये दिक्कत आपको भी आ सकती है तो ध्यान रखिएगा। ऐसे में सारी ब्रेड डीप फ्राई कर लूंगी। इस तरह से उलट पलट कर हम अच्छे से लाइट ब्राउन रखेंगे और फटाफट से करेंगे, नहीं तो ये हो जाएंगी काली और हो जाएगा बेकार आपका शाही टुकड़ा। इस तरह से बिल्कुल लाइट ब्राउन हमने रखना है कलर। ये देखिए ये कलर होना चाहिए आपकी शाही टुकड़े का। और इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। दो स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। हमने ब्रेड को डीप फ्राई कर लिया, सिरप बना लिया और अब हमारी हो रही है रबड़ी रेडी। ये जो साइड से मलाई आ रही है इसको इसी के अंदर आप मिलाते जाइए। और बहुत गाढ़ा ये दूध हो चुका है, रबड़ी मतलब रेडी है हमारी। बस हम इसे बंद कर देंगे और हल्का सा इसे ठंडा होने देंगे। चलिए दोस्तों शाही टुकड़े की करते हैं शाही प्लेटिंग। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर अपनी एक सर्विंग डिश लिए मैंने और मैं यहाँ पर इसके ऊपर सबसे पहले हम डालते हैं रबड़ी। ये देखिए रिच रबड़ी हमारी, गर्मा गर्म मीठा ये तैयार है। इसे अच्छे से आप फैला लें। अब रबड़ी के ऊपर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। और अब जो हमारी ब्रेड्स फ्राइड ब्रेड हैं उन्हें हम शुगर सिरप में डिप करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी हैं, इस तरह से अच्छी तरह डिप करें शुगर सिरप में। शुगर सिरप में डिप करने के बाद हम अपने शाही टुकड़े को यहाँ ले आएंगे। इसे कहते हैं डबल का मीठा, ऊपर भी मीठा नीचे भी मीठा। ये हमारा शाही टुकड़ा। और ऊपर से हम और नट्स डाल देंगे। शाही टुकड़े को शाही अंदाज में सर्व करें। अगर आप चाहें तो ऊपर से बिल्कुल हल्की सी एक सिंगल लेयर रबड़ी की डाल सकते हैं। तो तैयार है किरण की रसोई से शाही टुकड़ा, मज़ेदार गर्मा गर्म घर के सामान से बनने वाला ये स्वादिष्ट मीठा तैयार है दोस्तों। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, किरण की रसोई से ब्रेड का डबल का मीठा। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगले वीडियो में। सो बाय बाय फ्रेंड, चलती हूँ मैं और मैं अपनी फैमिली को टेस्ट कराने जा रही हूँ शाही टुकड़ा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।